हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों मेथड मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक की समझना बहुत जरूरी है, जो बेसिक कीज की वीडियो है मैंने वो बनाई है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो जब देखना जब आपको मेथड्स और बेसिक कीज समझ आ जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी जाके देख सकते हैं फटाफट, फिर आप इस वीडियो को देखेगा। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले से ही तो उनको ये इजिली समझ आ जाएगा क्या है इनकम मेथड, हमें क्या करना है एक्सपेंडिचर मेथड को, वैल्यू एडेड मेथड को हमें क्या निकालना है, उनसे नेशनल इनकम निकालना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है NNPFC। साथ में अपने एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखना, ताकि जो मैं लिखता जाऊं साथ साथ लिखते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ, राइट, और सीखते जाओ। नेशनल इनकम क्या है, NNPFC, उसकी आइडेंटिफिकेशन NNPFC। मेथड सर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, मेथड कर रहे हैं सर हम लोग इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब आइडेंटिफिकेशन में NDPFC। तो सर हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम नेशनल इनकम निकालेंगे फ्रॉम इनकम मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूं नेशनल इनकम कैसे निकलेगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम मेथड से, इनकम मेथड को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इस चीज को स्टार मार्क कर लेना, फटाफट इसको समझ लेना, लिख लेना। ओके, नेशनल इनकम की आइडेंटिफिकेशन NNPFC, डोमेस्टिक इनकम की आइडेंटिफिकेशन, इनकम मेथड की आइडेंटिफिकेशन NDPFC, राइट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या है NNPFC NDPFC, अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिमाइंड करा देता हूं। एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इधर क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस, एट फैक्टर कॉस्ट, सही बोला आपने। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। इसको करने का एक सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान है, इसको डोनेट कर लो यहां पे 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, चार लेटर्स है हमारे पास, उन सभी को मैंने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, चार ही है हमारे पास। अब कंपैरिजन करना है हमें, बट यहाँ पे 1 को 1 से कंपेयर करना, 2 को 2 से कंपेयर करो, 3 को 3 से, 4 को 4 से, अब कंपैरिजन में आपका आंसर आ जाएगा कंपैरिजन करते करते। इस तरीके से एक बार देख लेते हैं, बेसिक कीज समझना बहुत जरूरी था इसको समझने के लिए। अगर नहीं देखी है बेसिक कीज तो जाओ एक बार बेसिक कीज देखो, फिर आओ इस वीडियो को देखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे नेशनल इनकम निकाल रहा हूं मैं डोमेस्टिक इनकम से, फिर से इसको लिख देता हूं, कंपैरिजन देख लिया किस तरीके से 1 को 1 से कंपेयर करना है, हाँ, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, 4 को 4 से, गुड। चलो अब कन्वर्जन करते हैं इसका फटाफट। इनकम मेथड, सॉरी, नेशनल इनकम NNPFC, इनकम मेथड NDPFC। तो सर कन्वर्जन करने के लिए क्या करें, पहले को पहले से कंपेयर कर लिया, नेट को नेट से कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि नेट को नेट से माइनस कर दोगे तो 0 ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है चेंज करने की, यहां पे जरूरत ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से सर आप नेशनल की तरफ जा रहे हो, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो, इसका मतलब छोटी जगह से बड़ी जगह जा रहे हो, तो प्लस करोगे ना कुछ तो क्या प्लस करोगे सर, बेसिक कीज में आपने समझाया था कि NFIFA प्लस कर देना जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाओगे, तो यहां भी वही करेंगे हम लोग कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हम NFIFA प्लस कर देंगे। NFIFA का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर से सुनो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेसिक कीज वाली वीडियो को जरूर देखना, वो इजिली समझ आ जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे NFIFA प्लस कर दिया डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन सर, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से कन्वर्ट करो, पी में से पी गया सर 0, तो इसमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। इधर फैक्टर कॉस्ट को भी फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्जन करो, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे भी FC है, इक्वल्स टू के बीच में FC है, इधर करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, सिंपली एक ही चीज ऐड होनी थी जो है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो किस तरह से हमने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करना सीखा,
राइट कन्वर्जन, सिर्फ कन्वर्जन किया हमने बेसिक कीज की हेल्प से, तो वो चाबी इंपॉर्टेंट है लॉक को खोलने के लिए, वो चाबी सीख के आओ फटाफट, उसके बाद ये लॉक खोलना चालू करना राइट। नेक्स्ट मेथड जो था वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को चेंज करेंगे नेशनल इनकम में। ओके सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी एमपी आइडेंटिफिकेशन होती है, जीडीपी एमपी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए राइट। एक्सपेंडिचर मेथड को कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, सेम प्रोसेस है सर, हाँ जी सेम प्रोसेस है, नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी और एक्सपेंडिचर मेथड होता है जीडीपी एमपी, तो किस तरह से जीडीपी एमपी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, वही सर 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर भी 1 2 3 4, 1 1 से कंपेयर होगा, 2 2 से कंपेयर होगा, 3 3 से, 4 4 से ऑब्वियसली, 1 2 3 4, तो चारों कंपेयर होंगे एक दूसरे के साथ किस तरीके से। अच्छा सर हम नेशनल इनकम को लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लिख रहे हैं, मेथड को राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है, जो निकालना है वो हमेशा से सीखते आ रहे हैं हम बचपन से ही 5th 6th क्लास से, कि जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड रखो और जिसकी मदद से निकालोगे जो हेल्पिंग इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड रखो, तो हेल्पिंग इक्वेशन आपका जो मेथड है वो राइट हैंड साइड रखा है मैंने, निकालना आपको इनकम मेथड है सॉरी नेशनल इनकम है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दिया राइट। अब कन्वर्ट कैसे करें सर, वन को वन से कंपेयर किया तो पता लग रहा है यहाँ ग्रॉस है यहाँ नेट है, ग्रॉस बड़ा होता है सर नेट छोटा होता है, बेसिक वीडियोज में आपने बताया था ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है सर, नेट कैसे निकाले बेसिक वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि नेट को निकालने के लिए ग्रॉस में से क्या माइनस कर देना, हाँ वही क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना सर, किस में से माइनस कर देना ग्रॉस में से, नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देना सर, ठीक है हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना तो अभी सीखा है ना इनकम मेथड में, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, छोटे को बड़ा बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लस करते हैं, उसमें क्या प्लस किया था सर पीछे आपने, आपने प्लस किया था NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सर फिर से होगा, हाँ जी फिर से होगा अगर जरूरत है तो, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIFA, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज MPFC, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो सेम है वो हर इक्वेशन में सेम रहता है, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है राइट। यहाँ एमपी को एफसी में चेंज करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट की प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए बेसिक वीडियोस में क्या बताया था मैंने कि मार्केट के प्रोडक्ट में फैक्टर की कॉस्ट में से क्या प्लस करते हैं, फैक्टर की कॉस्ट में एनआईटी प्लस करते हैं मार्केट प्राइस को निकालने के लिए, बेसिक वीडियोस में जाओ फिर से देखो बेसिक वीडियो की बेसिक कीज की वीडियो, एमपी बड़ा है एफसी छोटा है, बड़े को छोटा बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा सर एनआईटी, क्योंकि एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमने बेसिक कीज वाली वीडियो में सीखी है राइट। तो ऑल ओवर इक्वेशन ये बन गई आपकी, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन किया है हमने सीक्वेंस वाइज 1 1 2 2, सेकेंड नंबर पे है हमारा डोमेस्टिक, यहाँ पे नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या किया मैंने NFIAF प्लस कर दिया, NFIA यहाँ पे प्लस कर दिया गया है राइट। तीसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है छोड़ दो इग्नोर कर दो, एमपी एफसी, एमपी बड़ा है एफसी छोटा है, तो एमपी को एफसी बनाने के लिए मैंने क्या किया माइनस एनआईटी, बेसिक वीडियो जरूर देखना इस क्वेश्चन को समझने से पहले और अच्छा समझ आएगा राइट। आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है, अगर कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।